खत्म, टाटा बाय बाय फोन पे। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो दोस्तों आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, बट दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद शायद से आप भी मेरे साथ ये सेम चीज बोलने लगोगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। तो दोस्तों फोन पे ने यहाँ पे एक नई पॉलिसी जारी की। अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी दोस्तों, अगर आप फोन पे के एप्लीकेशन से अगर यहाँ पे आप कोई सा भी रिचार्ज करो फोन पे के एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ेगी। चार्जेस की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो फोन पे की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अगर आप बिलो 100 रुपये, अगर 100 रुपये से आप नीचे की रिचार्ज करते हो कोई सा भी रिचार्ज, लाइक DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज या कोई सा भी रिचार्ज, तो आपको पर ट्रांजैक्शन पर रिचार्ज बिलो 100 रुपये, अगर 100 रुपये से कम का रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन 1 रुपीज फ़ोनपे को चार्जेस देनी पड़ेगी। चार्जेस यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर दोस्तों फ़ोनपे की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताऊँ तो यहाँ पे सेकेंड जो चार्जेस निकल के आती है, अगर दोस्तों 100 रुपीज़ के एवव, अगर 100 रुपये के एवव लाइक 198, 199, 249 एवव 100 रुपीज़ आप रिचार्ज करते हो, तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों पर ट्रांजैक्शन पर रिचार्ज आपको यहाँ पे फोन पे को 2 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते, इसीलिए दोस्तों मैं फोन पे को टाटा बाय बाय कह रहा था। दोस्तों अगर बात करूँ सेम दूसरे प्लेटफॉर्म की, दूसरे ऐप की, जैसे कि पेटीएम हो गई, गूगल पे हो गई या फिर अमेज़ॉन पे हो गई, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे तो दोस्तों हमें अमेज़ॉन पे वाले या गूगल पे वाले ये तो मुझे ऑफ़र्स देते हैं हमें कि आप आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे और रिचार्ज कीजिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफ़र भी देते हैं, जैसे कि दोस्तों 100% कैशबैक ऑफ़र, 10 रुपीज़ कैशबैक ऑफ़र, 20 रुपीज़ इंस्टेंट कैशबैक, इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हमें देते हैं कोई और प्लेटफॉर्म वाले, कोई और एप्लीकेशन वाले। तो भला दोस्तों हम लोग फोन पे को क्यों चॉइस करें जबकि हमें यहाँ पे चार्जेस भी पे करने पड़ रही है पर ट्रांजैक्शन पर रिचार्ज। दोस्तों मैं यहाँ पे राजा हरिश्चंद बन के बैठा नहीं हूँ, जो दोस्तों मैं आपको जो बोलूँगा आप इजीली से सुन लोगे और मान भी लोगे, तो इसीलिए चलिए आपको मैं आपको लाइव प्रूफ के तरफ ले चलता हूँ एंड प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप आ चुके हो मेरे फोन पे एप्लीकेशन के अंदर, तो चलिए यहाँ पे आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे एडिशनल चार्जेस को एडिट किया जा रहा है फोन पे की तरफ से। तो यहाँ पे सिंपली से मैं जा रहा हूँ मोबाइल रिचार्ज पे, मोबाइल रिचार्ज पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली से मैं कोई सा भी एक नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट जो 1 रुपीज़ का था कि 100 रुपीज़ से नीचे आप अगर आप रिचार्ज करते हो 99 या कुछ भी 100 रुपीज़ से नीचे, तो आपको 1 रुपये फ़ोनपे को पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 99 रुपीज़ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 99 रुपीज़ इस प्लान का वैल्यू है, एंड यहाँ पे नीचे में आप देखो व्यू अमाउंट बैकअप, तो यहाँ पे आपको टोटल 100 रुपीज़ आपके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे अगर मैं 100 रुपीज़ के नीचे रिचार्ज करता तो 1 रुपया हमसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ी इंक्लूडिंग ऑफ GST ऑफ 1 रुपीज़ विल बी चार्ज। तो अब चलिए यहाँ पे सिंपली से आई बटन क्लिक करते हैं, इसके मोर डिटेल्स को देखते हैं कि किस लिए यहाँ पे हमसे प्रोसेसिंग फ़ी ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टली जो फ़ोन पे में चार्ज है फी ऑफ फैसिलिटिंग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट ऑफ फ़ोन पे प्लेटफॉर्म इट हैव ए फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि मे बी शायद से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अभी सभी फ़ोन पे ये जो रोल आउट नहीं किया गया, बट धीरे धीरे से सभी के फ़ोन पे हो जाएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन पे नहीं हुआ तो मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन पे यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, बट दोस्तों टाइम जैसे ही टाइम होगा कुछ दिन बाद सबके फ़ोन पे ये रोल आउट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वीनियंस फ़ी, तो फ़ोन पे में चार्ज फी ऑफ पेमेंट व्यू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फ़ोन पे भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप बिल पे करते हो तब काटेगी, बट दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया मैं UPI से पे कर रहा, फिर भी मेरा यहाँ पे एडिशनल चार्जेस कट रही थी, प्रोसेसिंग फ़ी कट रही थी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म फ़ी, फ़ोन पे में चार्ज है नॉमिनल फ़ी फॉर रिचार्ज बिल पेमेंट फॉर यूजिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो इसके जो आपको ऐप को यूज कर रहे हो, इस ऐप के हेल्प से जो आपका रिचार्ज कर रहा है उस कारण से यहाँ पे आपका 1 रुपीज़ को मतलब यहाँ पे चार्जेस ली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जो एवव 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ से आप ऊपर के रिचार्ज करते हो लाइक 101 रुपीज़ या 190 रुपीज़ या 249, तो इस तरह के अगर रिचार्ज करते हो, यहाँ पे मैं सिंपली से यहाँ पे प्लान सर्च करता हूँ,
249। यहाँ पे मैं सिंपली से करता हूँ इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे जो प्लान है उसका वैल्यू है 249 रुपीज़। बट आप नीचे में आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो 251 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डेबिट होगा। किस कारण से यहाँ पे फ़ोन पे जो अमाउंट एडिशनल चार्जेस काट रही। तो दोस्तों आप बोलो एंड साथ ही कमेंट करो कमेंट बॉक्स में और उसमें लिखो कि टाटा बाय बाय फोन पे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक कर देना इस वीडियो को एंड दोस्तों इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से एंड एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।